माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा रविवार को ग्रामीणों के आग्रह पर बोड़ो तालाब का निरीक्षण किए। इस क्रम में नाले का गंदा पानी तालाब में जाता हुआ देखा गया। बताया गया कि सैकड़ों लोगों ने शिकायत की थी कि गंदा पानी तालाब में गिर रहा है। श्री सिन्हा ने निरीक्षण करके कहा कि बोड़ो कब्रिस्तान के पश्चिम में एक जिंदा तालाब है जिसमें सैकड़ों परिवार नहाते धोते हैं। छठ दशहरा आदि पर्व त्योहार इसी तालाब में होता है, लेकिन नगर निगम के कर्मी, ठेकेदार और अफसर को यह नहीं दिख रहा। इसी तालाब में वार्ड 4 के गंदे नाले के पानी को गिरा दिया जा रहा है। बताया गया कि वार्ड के लोग 2 बड़े दल के नेता के पास आवेदन लेकर गए, लेकिन उस आवेदन पर कोई पहल नहीं हुई। मौके पर श्री सिन्हा ने कहा कि आस्था, धर्म और सेंटिमेंट के साथ नगर निगम खिलवाड़ कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम के अधिकारी और इंजीनियर और प्रतिनिधि यदि जल्द सुधार नहीं करते हैं तो तालाब में घुसकर ही आंदोलन किया जाएगा। मौके पर वार्ड नंबर 4 के युवा राजन साव, संदीप गुप्ता, अभिषेक सिन्हा, अमित गुप्ता, रोशन सिन्हा, दीपक राय, विकास कुमार, राजेश रजक, राजू गोस्वामी, सुरेंद्र कुमार रंजन, राहुल कुमार, अजीत सिन्हा, राकेश कुमार, बाली साव आदि लोगों ने भी इस पर अपना विरोध जताया। आज सुबह सुबह हम लोग गए थे वार्ड नंबर 4 के बोड़ो में, और हवाई अड्डा के जस्ट पश्चिम साइड में एक तालाब है और एक जिंदा तालाब है। वहाँ पे 100-150 घर उस पर डिपेंड करते हैं। वहाँ सामाजिक जो भी कार्य हैं, चाहे वो मरने के बाद हो, चाहे पूजा हो, चाहे छठ हो, दशहरा हो, हर एक जगह पे धार्मिक कार्य और सामाजिक कार्य उसी तालाब पे डिपेंड करता है। ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि नगर निगम के द्वारा जहाँ पे भी तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है, उस जगह पे आसपास का जो गंदा नाली का पूरा का पानी जो है उसी तालाब में डाल दिया जा रहा है। अब इसके जो इंजीनियर हैं, अफसर हैं या जो भी इनके प्रतिनिधि हैं, सबको समझना चाहिए कि जो भी आस्था है, जहाँ पे तालाब है, जिंदा तालाब है, उस पर आप जाके गंदा पानी, जो उसमें शौचालय का पानी क्यों डाल देते हैं? क्या आपको एक थोड़ा भी सेंस नहीं है, या जानबूझकर आप वहाँ के लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं? इसी तरह से वार्ड नंबर 4 का बात तो छोड़िए, फिर हम आते हैं वार्ड नंबर आपका 28 नंबर। वहाँ देखिए 28 नंबर कहते हैं उनको। चैताडी में एक बड़ा तालाब बन रहा है, उस चारों तरफ चैताडी का जितना गंदा पानी उसी तालाब में जा रहा है। तो क्या जब एस्टिमेट बनाते हैं तो नालियां को अलग रख कर बनाते हैं क्या? क्या दो दो बार एस्टिमेट करना चाहते हैं? तो क्या इस तरह से अगर होगा तो भाकपा माले उसी तालाब में वहाँ के ग्रामीणों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, वार्ड के लोगों के साथ उसी जगह पे तालाब में ही आंदोलन करें। निश्चित तौर पर हम एक सप्ताह का समय दे रहे हैं, इसको तुरंत सुधार लें, तुरंत सुधारने का कार्य करें, और नहीं तो पूरे ग्रामीणों के साथ हम इस पर आवेदन देकर इस पर हम लोग आंदोलन करेंगे।